माशाल्लाह अब्बू, बिल्कुल हमारा जासिम लग रहा है। इसका माथा देखे, इसके गाल और इसके छोटे छोटे से हाथ तो देखे, पूरा हमारा जासिम है ना? हम तो पहले ही बता रहे थे। चचा ही बेयकीन थे। यकीन शरीफों पर किया जाता है, हम जैसे कातिलों पर नहीं। नहीं नहीं मैं ऐसे अभी नहीं दे रही। अभी तो मैंने गोद में लिया है। अरे और ये हमारा बच्चा है। जी भरकर मुझे इसके साथ खेलने तो दो। अब्बू हम इसको हमारे साथ घर ले चले। मैं यहां इसे इसके अपने बाप के कातिलों के साथ तो हरगिज नहीं छोड़ूंगी। हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने साथ घर ले चलते हैं और हम इसका नाम जासिम रखेंगे, ठीक है? ये मेरा बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी मांगने आएगा और मैं उसे दे दूंगी। मैं अपना बच्चा हरगिज किसी को भी नहीं दूंगी। अच्छा तो मेरा बेटा क्या खिलौना था? इसे तुम्हारे भाइयों ने बीच रोड पे मार दिया। जिस तरह तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, अगर मैं चाहूं तो एक बच्चे को तुमसे छीन सकता हूं। समझी तुम? मुर्तजा अपनी जबान को लगाम दो। अनाया को तुमने लावारिस समझा हुआ है जो उसे धमकियां दिए जा रहे हो? चाचा मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। आपको इसकी पैदाइश पर बुला लिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसे छीनने आ जाएं। और शुक्र करें कि आपको इसकी शक्ल दिखा दी है, वरना जो सलूक आप लोगों ने मेरे साथ रखा है ना, उसके बाद मैं इसकी शक्ल तो क्या, इसका साया भी महसूस ना होने दूं आप लोगों को। इधर दें। ठीक है, हमने आपका बेटा छीन लिया, बदले में आप हमारा बच्चा लेने आ गए। हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पहले आप अहमर भाई का केस वापस लें। तुम होते कौन हो मेरे बच्चे का सौदा करने वाले? ये तुम्हारी जायदाद, फैक्ट्रियां या जिद नहीं है जिसका फैसला तुम करोगे। इधर दो। अम्मी इसे कहें कि मेरा बच्चा वापस दे। सर अनाया को बच्चा वापस करो, बच्चा वापस करो।